जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ळमो अरहंताळम् ळमो सिद्धाळम् ळमो आयरियाळम् ळमो वंझायाळम् ळमो लोए सवसाहूणम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमो गणी मंगलम् कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रदानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम्। निमित्त उपादान की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं, और कल हमारी यहाँ पर जो चर्चा हुई थी वो निमित्त की परिभाषा और उपादान की परिभाषा के संदर्भ में हुई थी। तो अपन कल की बात को रिवाइज करते हुए हम अपनी चर्चा को उसके आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने नोट्स खोल लीजिए। निमित्त और उपादान, और हम यहाँ पर हमारी जो अंतिम चर्चा हुई थी वो इनका स्वरूप संदर्भ में ही हुई थी कि उपादान किसे कहते हैं और निमित्त किसे कहते हैं। आप लोग को परिभाषा याद हो ही गई होगी। क्या कोई ऐसा है जिसको निमित्त उपादान की परिभाषा अभी तक याद नहीं हो? तो आप में से निमित्त उपादान की परिभाषा कौन बताएगा? तो याद भी नहीं? याद क्यों दीपक, क्यों प्रांजल, क्यों आप सभी लोग? चलिए आप बताइए। हाँ आप वाइट कुर्ते में जो आपके पीछे, हाँ ठीक है। ठीक है बैठ जाइए। ये परिभाषा हमने और आपने बहुत बार सुनी है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वह उपादान, और जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आए उसे क्या कहते हैं? निमित्त। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जो बड़े दादा ने अपनी पुस्तक में दिया है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग भी पढ़ना, आप लोगों को निमित्त उपादान का बहुत अच्छा ज्ञान होगा उस पुस्तक के माध्यम से भी। छोटे दादा ने निमित्त उपादान कृति लिखी है, बड़े दादा ने लिखी है पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो वहाँ पर भी इसी कारण कार्य व्यवस्था को बताया है। गुरुदेव के भी प्रवचन आपको मिल जाएंगे, जिन पद्यों को आप पढ़ते हैं वो मूल में भूल के रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। एक निमित्त उपादान प्रवचन करके भी वो अलग से एक भाग निकला हुआ है, वो भी आप जरूर पढ़ना। एक जैन तत्व मीमांसा और है ना, तो उस जैन तत्व मीमांसा में भी कारण कार्य व्यवस्था, निमित्त उपादान मीमांसा, ये सारी मीमांसाएं हैं। तो ये सारी आपके लिए सहायक सामग्रियां होंगी, इनको पढ़ना जिससे निमित्त उपादान का हमारे को सही ज्ञान हो जाए। चलिए अभी हम यहाँ कोई एक पर्टिकुलर बुक ना पढ़कर, पर्टिकुलर जिनवाणी को ना पढ़कर, उन सभी लोग जितने भी वहाँ तथ्य आए हैं उनको संक्षेप में करेंगे। एक बहुत अपन तो उदाहरण की बात कर रहे थे जो बड़े दादा ने दिया है, उन्होंने निमित्त के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो मैंने अपनी एक बार गुड़स्थान की कक्षा में भी, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो वो आपको बताया था, वर और अनवर का, है ना। आप लोगों को ध्यान है? कितने लोगों को ध्यान है, जस्ट चेक करना चाहता हूँ। चलिए बहुत सारे लोगों को ध्यान है, तो मैं आप लोगों में से ही चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई बोले। कौन बोल सकता है? यहाँ माइक पर आके बोलना पड़ेगा। चलिए आगे से आ जाइए, संभव आप आ जाइए। आप सभी लोग सुनना, अगर आप बोलेंगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जब शादी होती है तो जो वर होता है वह घोड़ी पे बैठता है और जो उसके आगे होता है वह होता है अनवर। वो इसलिए बैठता है कि जिससे उसकी रक्षा हो, कि उसको कोई हानि ना हो। इसलिए कभी वो इसलिए कि वास्तव में वो वर नहीं है, वो अनवर है। अगर जो वधु है अगर वो उसके गले में वरमाला माल डाल देगी तो उसकी शादी नहीं होगी, होनी तो वर की शादी है। अनवर बस आगे इसलिए बैठता है, हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा उसको आगे बिठा देते हैं वो बस इसीलिए है कि वो उसकी रक्षा करे। लेकिन वधु शादी वर से करेगी, अनवर से नहीं करेगी। ऐसी निमित्त उपादान में शादी मतलब कार्य कारण कौन है उसकी शादी का? चलिए, आपने प्रयास किया बताने का, अच्छा प्रयास किया। चलिए, वर और अनवर के माध्यम से अब इस परिभाषा पे घटाना है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वो उपादान, लेकिन जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित ना हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप आए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, वर और अनवर में से समझ में तो आ गया ना? क्या कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में उदाहरण? तो मैं समझाऊंगा अगर नहीं आया हो, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं नहीं समझाऊंगा। इसका मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए, तो मैं आप लोगों का कॉमन सेंस चेक करता हूँ। इस उदाहरण के माध्यम से वर और अनवर में से हम किसे उपादान के उदाहरण के रूप में लेंगे और किसे निमित्त के उदाहरण में लेंगे? वर को तो हम उपादान के में लेंगे, क्यों? क्योंकि शादी रूप परिणमित वर होगा। लेकिन जो शादी रूप तो परिणमित ना हो लेकिन शादी रूप कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आए उसे क्या कहेंगे? अनवर कहेंगे। ऐसे ही ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोग मूल से वहाँ पढ़ लेना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कल मैंने आपको ध्यान है कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा था मैं। पहली चीज़ हाईलाइट की गई थी कि स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। निमित्त की तरफ से हमने हाईलाइट किया था कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो, तो जब स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता तो फिर ठीक है, फिर किसी को भी निमित्त बोल देंगे। लेकिन नहीं, कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता लेकिन उस कार्य के प्रति अनुकूलता, हमने इसका भी अर्थ किया था, कार्य के प्रति अनुकूल है और अनुकूलता अनुकूल है एक अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ तो अनुकूलता का आरोप आए, और यहाँ आरोप का मतलब कोई गलत शब्द नहीं है। कल मैं आपको लास्ट लास्ट में यही समझाने का प्रयास कर रहा था। हमारे और आपके दिमाग में आरोप शब्द का एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। किसी पर भी कोई आरोप लगा देते हैं तो हम उसे अपराधी समझ लेते हैं। बस दिक्कत यह हुई कि निमित्त पर भी अगर कारणपने का आरोप आता है तो हमें निमित्त को निमित्त कारण के रूप में ना समझकर इसको वास्तविक कारण समझ लेते हैं, और वास्तविक कारण माने उपादान कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी इसी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अपने जैन धर्म के अकर्तावाद के अंतर्गत जो आता है, और वो बहुत बड़ा सिद्धांत कौन सा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये हमारे जैन धर्म की एक रीढ़ है। आप लोगों ने अभी क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर आदरणीय दादा ने ये लिखा कि जैन दर्शन के अकर्तावाद का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति, एक ईश्वर, एक गॉड इस दुनिया का नहीं करता। जैन दर्शन के अकर्तावाद का यह भी मतलब है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। शरद, आप खड़े रहेंगे, आप लेट आए ना इसलिए आप खड़े रहेंगे। तो जैन धर्म के अकर्तावाद का मतलब यह भी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। चलिए, इसमें से अगर अपन विचार करें तो उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है इस पे विचार करेंगे। ध्यान से सुनना, पॉइंट चेंज है और आज नए बात कर रहे हैं। उपादान हमेशा एक द्रव्य को कर्ता उसी द्रव्य को कहता है। निमित्त, इसको और सरल करते हैं, ये कारण है ना, उपादान कारण। हमेशा समझना, उपादान के अनुसार कारण और कार्य ये एक ही हैं। एक ही है मतलब क्या? एक ही द्रव्य है, वही कारण है, और उसी द्रव्य में कार्य होने वाला, क्योंकि वो स्वयं परिणमित होता है ना। इसीलिए एक द्रव्य का कर्ता किसे कहेगा? एक द्रव्य का कर्ता किसे कहेगा? उसी को कहेगा, उपादान को नहीं, क्योंकि उपादान वही तो है। आप समझना, उपादान तो भाषा है, उपादान तो शब्द है। चलो इसी बात पे एक समझा देता हूँ बात आपको, ध्यान से सुनना, पॉइंट चेंज है। ये भी अभी इस पे लौट कर आएंगे लेकिन वो बीच में आ गया। एक पॉइंट लिख लेना अपनी डायरी में, तो बाद में लिखना, दिमाग में पहले लिख लेना।
हमेशा ध्यान रखना, निमित्त और उपादान कोई वस्तु नहीं होती। हमेशा जब भी आप घटाओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं क्या हूँ, निमित्त हूँ कि उपादान हूँ, तो आप तुरंत वो दिमाग में वो बैठा हुआ है ना हमारे, भाई साहब आप निमित्त हो, गलत उत्तर आपका गलत है। एग्जाम में मैं पूछूंगा, रट्टो वालों का काम नहीं चलेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े परिभाषात्मक भी आएंगे, आपको विषय की कितनी पकड़ है उस बात के लिए भी आएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब जो पढ़ाया जाएगा लेकिन उसी में से आएगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि पुस्तक निमित्त है कि उपादान है, चलो मैं आपसे निमित्त उपादान पुस्तक के बारे में ही पूछ लेता हूं, ये पुस्तक निमित्त है कि उपादान है? तो सबसे पहले आप क्या बोलना कि भाई साहब निमित्त और उपादान किसी वस्तु पर घटित नहीं होते हैं, ये सबसे पहला। और आपको पता है हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, हम और आप जब भी कभी बात चलती है तो निमित्त उपादान वस्तुओं पे घटाने लग जाते हैं। जैसे निश्चय और व्यवहार भी हम घटाते हैं ना, है ना, तो निश्चय और व्यवहार भी हम वस्तुओं पे घटाने लग जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अभी आप लोगों को निश्चय व्यवहार, चलो थोड़ा बहुत होगा आपको ज्ञान निश्चय व्यवहार का, थोड़ा बहुत तो है ही, आप पाठमाला में पढ़कर आए हैं। व्रत उपवास आदि क्रियाएं किसकी क्रिया है, है ना, तो आप तुरंत बोल देंगे व्यवहार है। गलत है, व्यवहार नहीं है, अरे वो तो क्रिया है। जब हम उसे मोक्ष मार्ग कहेंगे तो व्यवहार आएगा, जब हम उसे आत्मा की क्रिया कहेंगे तो व्यवहार आएगा, जब हम व्रत उपवास आदि को जड़ की क्रिया कहेंगे तो आपको पता है ये निश्चय का कथन है, ये व्यवहार का कथन नहीं है। ऐसे समझना, ठीक है, अभी मैं निश्चय व्यवहार नहीं, मैं तो निमित्त उपादान पर घटित करूंगा। बोलो निमित्त उपादान, फिर से वही प्रश्न, निमित्त उपादान पुस्तक, पुस्तक पुस्तक वस्तु है, ये पुस्तक निमित्त है कि उपादान है? गलत, ना निमित्त है ना उपादान है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस षट द्रव्यात्मक लोग में कोई भी वस्तु ना निमित्त है ना कोई भी वस्तु उपादान है। टैग नहीं लगा सकते आप, टैग नहीं लगा, टैग समझते हैं आप लोग, एक छापा लगाना, स्टिकर लगाना, आप किसी पर इस बात का स्टिकर नहीं लगा सकते कि ये तो निमित्त ही है अथवा ये तो उपादान ही है। लगा सकते हैं अपन किसी पर? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक वस्तु जो अपने कार्य के लिए उपादान है वो दूसरे के कार्य के लिए निमित्त है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा और डीप में जाएंगे ना तब इसको और समझते जाएंगे। अभी अपन कर्मों पर भी घटित करेंगे, सम्यक दर्शन पर भी घटित करेंगे और क्रियाओं पर भी घटित करेंगे। जैसे अपन उदाहरण पे लेते हैं, जो माली, याद है वो अपने पहले दिन से वो बीज डाल दिया था अपन ने, डला हुआ है ना, नीम का डला हुआ था, जो माली उस नीम के बीज के वृक्ष रूप कार्य की उत्पत्ति के लिए निमित्त है और अपने कार्य के लिए उपादान। दूसरे के कार्य के लिए आप निमित्त बनते हो और अपने ही कार्य के लिए आप, इसका मतलब निमित्त और उपादान एक ही समय में है। जिसे हम निमित्त कह रहे हैं वो उपादान भी है और जिसे हम उपादान कह रहे हैं वो निमित्त भी है। लिखो ये सारी चीजें, मतलब दिमाग में, इधर मत, इधर भी लिखते रहना लेकिन पहले दिमाग में क्लियर करो, निमित्त और उपादान कोई वस्तु नहीं है। एक ही समय में वस्तु निमित्त भी है और एक ही समय में वस्तु उपादान भी है। घटा सकते हो? घटा सकते हैं? आप में से कोई उदाहरण देगा? एक ही समय में, मैं एक दो एग्जाम्पल दूं और सोचना, अभी आपसे पूछूंगा और सोचो। एक ही वस्तु में, एक ही समय में निमित्त भी है और एक ही समय में उपादान भी है। एक ही अब ये नए है मुख्य गौड़, हम निमित्त को मुख्य करते हैं कि उपादान को मुख्य करते हैं? जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुत्र, शास्त्र का उदाहरण लेते हैं अपन। धर्म द्रव्य जीव आदि द्रव्यों के किसमें निमित्त बनता है? धर्म द्रव्य किसमें निमित्त बनता है? गति हेतुत्व उसका कार्य है तो गति, बैठ जाइए, गति में निमित्त बनता है धर्म द्रव्य। ध्यान से सुनना, धर्म द्रव्य जीवादि द्रव्यों की गति में तो निमित्त बनता है लेकिन अपने कार्य में, ध्यान से सुनना, जब धर्म द्रव्य जीवादि द्रव्यों की गति में निमित्त बनता है तब उसका परिणमन हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है? उसका भी तो परिणमन हो रहा होता है ना, तो उसके कार्य के लिए तो वो स्वयं क्या है? उपादान है। और जीवादि अन्य द्रव्यों के कार्यों के लिए निमित्त है। इसका मतलब एक ही समय में वस्तु उपादान भी है और निमित्त भी है। कुछ ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब निमित्त और उपादान कोई वस्तु ना ही। टोडोमल जी ने तो भवितव्य और होनार के लिए लिया,
काल लब्धि और होनहार के लिए कहा कि काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं। मैं यहाँ निमित्त उपादान के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, निमित्त और उपादान कोई वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही समय में वस्तु अपने कार्य के लिए उपादान कारण है और उसी समय अन्य द्रव्यों के कार्य के लिए निमित्त कारण है। जो निमित्त है वो उपादान भी है, जो उपादान भी है वो निमित्त भी है। इसलिए निमित्त और उपादान ये एक ही वस्तु पर घटित हो सकते हैं। निमित्त और उपादान ये कोई अलग अलग वस्तु नहीं होती। कोई वस्तु सिर्फ निमित्त हो और कोई वस्तु सिर्फ उपादान हो ऐसा नहीं होता। ये एक समझ में आया, ये ध्यान रखना। अपन उस पर भी आएंगे। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि जो मूल भूलें हो रही हैं अपन पहले उन पे फोकस करें। ये जब हम चर्चाएं परिचर्चाएं करते हैं ना तो एक भूल हमारी ये भी निकलती है, हम वस्तुओं पे। आप देखना आपके जो प्रश्न होंगे ना, कभी कभी सोचना, आप जब निमित्त उपादान घटाना चालू करते हो तो आप वस्तुओं पे घटाने लग जाते हो। ठीक है, अब जब आप कभी ऐसे तरीके का प्रश्न हो तब अपन आगे देखेंगे। अभी बढ़ते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। आप खड़े रहिए, क्लास का नियम है। उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान और निमित्त ये दोनों कारण हैं, और ये दोनों कारण हैं तो यहाँ अब वापस पॉइंट पर आते हैं। उपादान कारण क्या करता है? एक ही द्रव्य को, अब वापस आ रहे हैं वापस, अभी हमने क्या समझ लिया, निमित्त और उपादान ये कोई वस्तु नहीं है, अलग अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु उपादान भी है और एक ही वस्तु निमित्त भी है। तो उपादान क्या करता है? एक द्रव्य को करता, एक ही द्रव्य को कहता है, उसी द्रव्य को कहता है। और निमित्त क्या करता है? सोचो, निमित्त क्या करता है? एक द्रव्य का करता दूसरे द्रव्य को कहता है। हमेशा ध्यान रखना, जब अपन पर्यायार्थिक नए से निमित्त उपादान के बारे में विचार करेंगे तो हमेशा निमित्त दूसरा ही द्रव्य होगा। क्या कहा? निमित्त हमेशा दूसरा ही द्रव्य होगा। कभी भी वस्तु अपने कार्य के लिए निमित्त नहीं बनती। पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी वस्तु अपने कार्य के लिए, स्वयं के कार्य के लिए निमित्त नहीं होती। हमेशा पर द्रव्य के लिए ही वस्तु क्या बनती है? निमित्त। इसका मतलब उपादान एक ही द्रव्य पर है, मतलब कारण और कार्य एक ही द्रव्य है, और ये निमित्त ये दो द्रव्यों में है। इसको और सरल करें, ध्यान से सुनना, इसी में अपन आगे बढ़ा रहे हैं। जो आप लोग लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि में पढ़कर आए हो, क्या पढ़कर आए हो? कार्य तो साहब एक ही होता है कि नहीं होता है? कार्य हमेशा एक ही होता है ना, और उस एक कार्य के दो कारण अपन कहते हैं। ध्यान में है ना ये बातें? कार्य तो एक ही है और कारण यहां कौन है? दो कारण कहे गए। अब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आप लोग ये पढ़कर आए हैं कि जिस कार्य को उपादान की अपेक्षा क्या कहा जाता है? उपादेय कहा जाता है। उसी कार्य को निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा जाता है। कार्य एक ही है, कारण दो हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब उपादेय वाला कार्य अलग हो और नैमित्तिक वाला कार्य अलग हो ऐसा नहीं। कठिन तो नहीं पड़ रहा है? एग्जाम्पल दें अपन, एग्जाम्पल से समझना है। जैसे घड़े का एग्जाम्पल लो, अपने आचार्यों का ही एग्जाम्पल है। अब जैसे घड़ा रूपी कार्य है, ठीक है, अब ये घड़ा थोड़ा कुमार नहीं है ना अपन, इसलिए ऐसे ही बनाएंगे। तो घड़ा रूपी कार्य है, अब इस घड़े रूपी कार्य का उपादान कारण कौन है? जो स्वयं घड़े रूप पढ़ने में तो मिट्टी हुई। निमित्त कारण कौन है? जो उस रूप तो पढ़ने में नहीं हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप आए, किस पर आरोप आएगा? वेट अ मिनट, गैस पर आरोप आएगा? उस कुम्हार के घर में गैस भी रखी हुई है, उस पर आरोप आएगा? उस पर आरोप नहीं आएगा। क्यों? परिभाषा क्या है? अनुकूलता, कार्य के प्रति जो अनुकूल हो। तो कार्य के प्रति अनुकूल कौन है? कुम्हार, चाक, दंड, कीली, इन्हें हम क्या कहेंगे? निमित्त। अब निमित्त और उपादान दो चीजें हो गई। अब एक ही घड़ा उपादेय भी है और एक ही घड़ा नैमित्तिक भी है। क्या कहा? एक ही घड़ा उपादेय भी है और एक ही घड़ा, वेट अ मिनट, ये उपादेय कोई है गे उपादेय वाला उपादेय नहीं है। आ रहा है समझ में? याद है जब अपन सात तत्वार्थों की
बातें करते हैं तब अपन उसमें विचार करते हैं कि कौन से तत्वार्थ हेय हैं, कौन से तत्वार्थ गेय हैं और कौन से तत्वार्थ उपादेय। तो यहां उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, ध्यान आ रहा है आप लोग? उपादेय शब्द ये हमारे सबके लिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, क्या यहां उपादेय का मतलब वही है? नहीं, यहां उपादेय का मतलब तो कार्य है, ख्याल में आ रहा है? ग्रहण करने योग्य इसका अर्थ नहीं लेना चाहिए। बैठ जाइए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका अपन यहां अब आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत बार प्रवचनों में ये सुना होगा, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये तो निमित्त नैमित्तिक। कितनी बार आप एक बार कभी प्रवचन में ध्यान देना, किसी के भी प्रवचन पर ध्यान देना, किसी भी कक्षा पर ध्यान देना, जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो उनके उत्तरों पर ध्यान देना, तो ये एक कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जरूर आता है, अरे ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हर बहुत बार, माने मैं कहूं जितनी बार प्रवचन में ये नहीं कहा जाता है कि ये तो उपादान उपादेय संबंध है, उससे ज्यादा बार ये कहा जाता है कि ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडोमल जी की भाषा में कुछ कहोगे? टोडोमल जी ने निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में क्या कहा? हाँ, टोडोमल जी ने मोक्ष में प्रकाशक में कहा कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है ना, बहुत घने हैं। अब घने हैं क्या है क्या नहीं है उसे अभी अपन समझेंगे। वापस आते हैं, इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, अब परिभाषा और सरल हो जाएगी। आप लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, सभी लोग थोड़ा जागृत हो जाओ, जितना पढ़ाया गया है उसी में से पूछा जाएगा। उपादान और उपादेय, क्या ये दो अलग अलग चीजें होती हैं? निमित्त और नैमित्त, क्या ये दो अलग अलग चीजें होती हैं कि नहीं? सोचो सोचो, पहले सोचो। प्रश्न समझ में आ रहे हैं? दो चीजें हो गई ना, उपादान और उपादेय, तो क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? निमित्त और नैमित्तिक, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? सोचो इनमें से क्या है, कोई जवाब देना चाहेगा? अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, चलिए विमन पावर गर्ल्स से पूछते हैं, आप बताइए। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत सुंदर उत्तर हमें मिल गया है। इसको अगर और भी कहें, जो अभी अपन ने यहां पर पढ़ा था ना, एक द्रव्य और दो द्रव्य, उसको समझाने के लिए है। उपादान और उपादेय संबंध हमेशा एक ही द्रव्य पर घटित होता है। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या कहा? उपादान उपादेय संबंध हमेशा किस पर घटित होगा? एक ही द्रव्य पर घटित होगा। और नियम नंबर दो, निमित्त और नैमित्तिक संबंध हमेशा पर्यायार्थिक नहीं से, जब अपन निमित्त उपादान की बात करेंगे, निमित्त और नैमित्तिक संबंध हमेशा दो द्रव्यों पर ही घटित होगा। सोचो सोचो, सही है कि नहीं, लगाओ, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा दो द्रव्यों पर। चलो, अभी अपन बहुत घड़ा वगैरह हो गया, इस घड़े वगैरह को समझने से कोई सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। चलो सम्यक दर्शन रूपी कार्य को समझते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, हमारा अल्टीमेट गोल, प्रथम में प्रथम गोल सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन अगर इन कारण कार्य व्यवस्था में बात करें तो बोलो कारण है कि कार्य है? है ना, देखो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के लिए तो कार्य है और सम्यक ज्ञान के लिए, याद है छह डाला में पढ़कर आए हो, छह डाला की चौथी ढाल में याद आ रहा है? सबसे पहले यही बताया गया है कि सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान, तो सोचो एक ही वस्तु कारण भी है और कार्य भी है। समझ में आ रहा है अभी जो मैंने आपको समझाया? कितने लोग को पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है मतलब मैं पूछ भी सकता हूँ? हाँ, मैंने अभी 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 जरूरत है इस बात को समझाने की। देखो सभी लोग समझना, अभी हमने क्या क्या एक फैक्ट बनाया था कि एक ही वस्तु किसी की अपेक्षा से देखा जाए तो उपादान है और किसी की अपेक्षा से देखा जाए तो निमित्त है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी तक जो कार्य है वो किसी के लिए कारण है, हो सकता है कि वो अपने लिए कार्य हो लेकिन किसी अन्य के लिए वो कारण हो। सूक्ष्म तो है लेकिन समझना पड़े, समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सम्यक दर्शन, अभी हम यहाँ इसे कार्य के रूप में ले रहे हैं, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं सम्यक साथे
लेकिन सम्यक दर्शन के होते ही सही क्या हो जाता है? ज्ञान सम्यक हो जाता है। आप लोग अभी ये सर्वार्थ सिद्धि में ये पढ़ेंगे कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, जब तक मिथ्या ज्ञान होता है तब तक कुसंज्ञा को प्राप्त करते हैं, मिथ्या ज्ञान संज्ञा को प्राप्त करते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ ही ये ज्ञान भी किस संज्ञा को प्राप्त करते हैं? सम्यक ज्ञान में मति, श्रुत और अवधि का नाम प्राप्त करते हैं। चलिए, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। तो सम्यक दर्शन अपना तो स्वयं एक कार्य है, लेकिन सम्यक ज्ञान के होने में कारण है। सम्यक ज्ञान में कार्य नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के लिए कार्य कौन होगा? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होगा। और स्वयं सम्यक ज्ञान रूप परिणमित कौन होगा? ज्ञान गुण। चलिए, अब यहां सम्यक दर्शन पर घटाएंगे अपन। सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है, अब निमित्त भी और उपादान भी दोनों विचार करना है। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में उपादान कौन होगा और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त कौन होगा? सोचो, परिभाषा याद है? तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, तो बोलो क्या वो चीज है जो सम्यक दर्शन रूप परिणमित होती है? श्रद्धा गुण। तो जो श्रद्धा गुण, जीव का जो श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है, वह तो क्या कहलाएगा सम्यक दर्शन में? उपादान कारण कहलाएगा। निमित्त कौन कहलाएंगे? अब सोचो, निमित्त की परिभाषा से लगाओ, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हो, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आए, तो बोलो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कार्य किस पर आरोप आएगा? ठीक है, देवशास गुरु पर आरोप आएगा। हाँ, गुणस्थान की परिपाटी से उत्तर दो। चौथे गुण, वे जो पांच, छह और सात प्रकृतियां है ना, वे सात प्रकृतियों का उपशम, छह और छह उपशम, वो उपादान की कैटेगरी में आएगा कि निमित्त की कैटेगरी में? निमित्त। मैं कई बार, जब आप जो यहाँ स्मारक में पढ़ते उन्हें तो पता ही है, आपको याद है कि कितनी बार मैंने कहा मोहनीय कर्म का उपशम होता है। उपशम तो किस में होता है? दर्शन मोहनीय का। दर्शन मोहनीय के तीन, आप लोग बातें कम कीजिए, दर्शन मोहनीय के तीन और अनंतानुबंधी की चार। उपशम छह, छह उपशम किसका होता है? इन प्रकृतियों का होता है। और सम्यक दर्शन किसको होता है? कायदे से सम्यक दर्शन भी तो कर्मों को होना चाहिए। वाह, ये लगाना। अब निमित्त उपादान लगाएंगे हम इसमें। जब मोहनीय का उपशम, सोचो कभी विचार किया आप लोगों ने, ज्ञानावरण का होता है छह उपशम, लेकिन ज्ञान किसे होता है? कर्म को तो होता नहीं, लेकिन छह उपशम किसमें होता है? जीव में। जीव में छह उपशम होता ही नहीं, जीव में उपशम होता ही नहीं, जीव में छह होता ही नहीं, जीव में तो छायिक भाव होता है, जीव में तो औपशमिक भाव होता है, जीव में तो औदयिक भाव होता है, जीव में उदय नहीं होता। ये आप सभी समझते हैं, जीव का उदय होता है, जीव का उपशम होगा, जीव को दबाएंगे, जीव का छह उपशम होता है नहीं, ये तो सब कर्मों में होता है। अब ये देखो, यही तो है निमित्त नैमित्तिक संबंध पना। दर्शन मोहनीय प्रकृति स्वयं तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं होती, ध्यान से सुनना, आप लोग गुणस्थान भी पढ़ते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी चतुष्क स्वयं तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं होती, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति में अगर अनुकूलता का आरोप आएगा तो किस पर आएगा? किस पर आएगा? दर्शन मोहनीय। क्यों? एक बात सुनना, नाम कर्म पर आएगा? सोचो, नाम कर्म पर आएगा अनुकूलता का आरोप? ज्ञानावरण के छह उपशम पर आएगा आरोप? इसका मतलब आरोप ऐसी किसी पे नहीं आ जाता है। जितना हल्के में हम और आप इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को और निमित्त नैमित्तिक ज्ञान को ले लेते हैं ना, ये ऐसे कोई हवा में उड़ा देने वाली चीजें नहीं है। पूरी दुनिया अगर किसी के बल पर चल रही है, तो जितना कंट्रीब्यूशन उपादान उपादेय का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों का है। ध्यान से सुनना एक बात, थोड़ी खतरनाक भी है, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना। जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी रीढ़ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं कर सक नहीं करता। लेकिन आपको पता है निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या कहता है? बोलो, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो यही कह रहा है कि एक द्रव्य
दूसरे द्रव्य का कारण है, अथवा हम उपचार की भाषा में कहें तो करता है। उड़ा दें अपन निमित्त नैमित्त को, उड़ा दें, उड़ा सकते हो। कल आप लोगों को याद होगा, वीर सागर जी भाई साहब कल कह रहे थे यहाँ पर, अपने जैन वांग्मय में, जैन शास्त्रों में अष्टांग निमित्त कहा गया है। कभी आप लोग पुराण, अभी आप लोग के कोर्स में पद्म पुराण है ना, बोलो, आप लोगों के में हरिवंश है, किसी में कुछ होगा, जो भी हो आप लोग पढ़ेंगे। पद्म पुराण की प्रारंभी कहाँ से हुआ, बोलो, श्रेणिक राजा से हुआ। मूल कहानी पर अगर बात करें, उस कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, राम कहानी पढ़ना शुरू किया होगा आप लोगों ने, किसी ने पद्म पुराण पढ़ना शुरू हुआ होगा। चलो मैं राम कहानी का ही पूछ लूँ, राम कहानी कहाँ से शुरू होती है, बोलो, पहली घटना याद है, कहाँ से शुरू होती है राम कहानी, आपको पता है कौन से संबंध से शुरू होती है, निमित्त नहीं बताऊं, रावण के पास भागे भागे आते हैं लोग, रावण को निमित्त ज्ञानी बताता है ये बात कि तुम्हारी मृत्यु, याद आ रही है घटना, तुम्हारी मृत्यु है ना इनके पुत्र से होगी। और वो रावण फिर क्या प्रयत्न करता है, वो आप सभी लोग को कहानी तो पता ही है ना। सुनो, अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसी हवा का होता ना, हवा में ही जैसे उड़ा देते हैं, जितनी जल्दी हम उड़ा देते हैं इसको, या जितना हम इसको गलत मतलब हल्का समझते हैं, उतना हल्का ही उड़ाने वाला नहीं है। अगर उड़ाने वाला होता तो रावण भी उड़ा देता, उड़ा देता मतलब है ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या करना, ऐसे रावण ने कहा। बोलो, इसको मैं और आसान कर दूँ, आप हो सकता है कि क्योंकि रावण के बारे में हमारी अच्छी इमेज नहीं है ना, हम अच्छे लोगों के बारे में आपके बता देते हैं जिन्हें निमित्त नैमित्तिक ज्ञान का। बोलो, भद्रबाहु स्वामी 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, कैसे जाना, कैसे जाना, अब मैं कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, आप लोग कहानी पढ़ना, किससे जाना, कैसे जाना, एक रोते हुए बच्चे के माध्यम से उन्होंने ये जान लिया ना। क्या रोता हुआ बच्चा चिल्ला के कह रहा था, क्या उस रोते हुए बच्चे ने अकाल लाया, तो जो स्वयं तो अकाल रूप पर्णमित नहीं हुआ, बच्चा अकाल रूप पर्णमित हुआ, बच्चे की वजह से अकाल आ गया। हमें यही लगता है जो बच्चा रो रहा था ना, हम नैमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं समझते। सुनो, भद्रबाहु स्वामी ने जो उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा ये जानकारी की थी ना, वो उपादान उपादेय संबंध के पहचान कर नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध के ज्ञान करके। हमारे यहाँ अष्टांग निमित्त है, अरे आप देखो तो एक पुराण उठा के पढ़ो, जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है तो अवधि ज्ञान के निमित्त से हम पता लगा लेते हैं कि वो स्वप्न का कैसा कैसा वो फल बताते हैं ना, सभी पंच कल्याणों में होता है। लेकिन सुनो, छोटा सा मैं हिंट ही करता हूँ, आप लोग पुराण उठा के पढ़ना तो निमित्त नैमित्त कितना दिखेगा। जैसे सुकुमाल मुनिराज है ना, सुकुमाल मुनिराज के जीव जब वे गर्भ में आए थे तब रानी ने 3 स्वप्न देखे थे। पहला स्वप्न ये देखा था कि अशोक वृक्ष क्षय को प्राप्त हो रहा है, दूसरा स्वप्न देखा था कि नया अशोक वृक्ष आ रहा है, और तीसरा स्वप्न देखा था 8 पुष्पमालाएं। अब बोलो, रानी को ये स्वप्न आया, रानी ने राजा से स्वप्न को शेयर किया, और फिर राजा ने अवधि ज्ञान से नहीं, किस ज्ञान से, इस निमित्त ज्ञान से ये इन स्वप्नों के फल बताए कि जो अशोक वृक्ष क्षय हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो राजा है ना ये मैं स्वयं बेटे के होते ही कुछ समय बाद मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, नया अशोक वृक्ष आ रहा है इसका मतलब रानी तेरे गर्भ में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होने वाला है, 8 पुष्पमालाएं जो हैं उसका मतलब उस बेटे की 8 सुंदर सुंदर कन्याओं से शादी होने वाली है, ये सब स्वप्न का फल बताया। और सुनो, ये हवा में ही नहीं था, ये गलत भी नहीं था, एक एक स्वप्न का फल हमारे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करता है। अब जब आप क्रमबद्ध पर्याय की क्लासेस पढ़ेंगे ना, तब मैं इसी के आधार, मतलब जो भी आपको पढ़ाएगा, तब आप उसी के आधार से इसमें क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होगी। ये घटनाएं जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की हैं, आप देखो तो पूरी दुनिया में ये बोलबाला किसका है, देखो ध्यान से सुनना, भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध का बोलबाला हो, ये बात तो मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि अगर हम इसको उड़ाने की कोशिश करें तो हम उड़ा नहीं सकते, और उड़ाने का मतलब है जैन वांग्मय को तिलांजलि देना। बोलो, पूरा कर्णानियों किस पर टिका हुआ है, सोचो, गुणस्थान की परिभाषा ही क्या है, मोहर योग के निमित्त से,
सबसे पहली परिभाषा में यही आता है, मोह और योग के ए हम निमित्त वाले नहीं है, तो तुम फिर क्या पढ़ोगे गुणस्थान? अगर तुम गुणस्थान ही नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हें गुणस्थान से रहित आत्मा कैसे समझ में आएगी, मार्गणस्थान से रहित आत्मा कैसे समझ में आएगी, क्या होता है गुणस्थान और क्या है उस गुणस्थान से रहित आत्मा, ये कैसे समझ में आएगी? इसीलिए इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, टोडामल जी का वाक्य, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये घने बहुत हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। दिक्कत ये हो गई कि जैसे ही हमने ये कहा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, तुरंत आपने निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध समझ लिया। और समय सार में कुंद कुंद आचार्य देव ने, अमृतचंद आचार्य देव ने जितना भी माने कहें प्रहार किया है, समझाया गया है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की उपेक्षा को नहीं किया, बल्कि हमने और आपने इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को जो कर्ता कर्म संबंध समझ लिया उसका निषेध किया है। आप जब समय सार आदि पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। समय सार में किसका निषेध है? कर्ता कर्म का निषेध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं है। दिक्कत क्या हुई? निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही हमने क्या समझ लिया, क्यों समझ लिया? दिक्कत क्या हुई? क्योंकि वे बहुत घने हैं। घने का मतलब समझ में आ रहा है? घने का मतलब सुनो, हमने गोली खाई और हमें आराम मिल गया, घने हैं। समझ में आ रहा है क्या है? यही तो घनत्व है, यही तो इनका बहुत बड़ा घनापना है। घनापना समझ में आ रहा है? हम जैसे बीमार होते हैं और एक गोली खाते हैं, हमें आराम मिलता है, तो हमें क्या भ्रम हो जाता है? बोलो, गोली में अब आपको निमित्त नैमित्त संबंध घटाना चाहिए था कि कर्ता कर्म संबंध घटाना चाहिए था? निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाना चाहिए था ना, लेकिन अब आपने क्या समझ लिया, गोली खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। होते हैं? अच्छा तो साहब नहीं होते क्या? पूरी दुनिया ऐसी चल रही है, उसको भी निषेध नहीं किया जा रहा है, तो किसको कहा जा रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब कार्य होना होगा तो वो निमित्त बन जाएगा, और जब कार्य नहीं होना होगा निमित्त नहीं बनेगी। आप लोग एकांश, आप सभी लोगों से मतलब एकांश का तो ध्यान इधर कर रहा हूँ, अपन जब अपन आसपास के अपने घर के आसपास के वृद्ध लोगों को देखना, एक बार अपने घर के वृद्ध लोगों को देखना और अपने समाज के वृद्ध लोगों को देखना, आपको पता है बहुत सारे वृद्ध लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, बेटा ये दवाई हम पहले खाते थे तो हमें आराम करती थी, अब यही दवाई हमें आराम नहीं कर रही है। दुखी है, मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है। बोलो, उनकी दिक्कत आप सॉल्व कर सकते हो आज इस प्रकरण के संदर्भ में? हुआ क्या कि जब हम और आप दवाई खाते थे तो तुरंत सही हो जाते थे, तो हमारी बुद्धि में वो कर्ता कर्म फिट हो गया। अगर हमने उस वक्त भी ये समझा होता, क्या समझा होता, कि ये तो निमित्त है, निमित्त है। बोलो, डॉक्टर स्वस्थ होने में क्या है, आपके स्वस्थ होने में क्या बनता है? वो क्या वो सभी को स्वस्थ करता है? क्या सभी को स्वस्थ कर सकता है? क्या सभी का एक जैसा इलाज करता है? क्या एक ही गोली से सभी को एक जैसा इलाज मिलता है? क्या एक ही गोली से सभी को एक ही बार में आराम मिल जाता है? किसी को एक बार में, किसी को दो बार में, किसी को तीन बार में। इसीलिए थोड़ा समझना, हम हमेशा हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को तो स्वीकार करेंगे, परंतु हम उस निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध नहीं मानेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? निमित्त नैमित्तिक संबंध एक्सेप्टेड, कर्ता कर्म संबंध नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप लोगों पे घटित करवाऊंगा, रिफ्रेश हो जाओ, बस अंतिम चर्चा है हमारी। अब कोई नया पॉइंट नहीं देंगे, सिर्फ आप लोगों से एक्सरसाइज करवानी है मेंटली। मैं आपको कुछ वाक्य बोलूंगा, आपको उसमें उपादान निमित्त और उपादान उपादेय संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करना है। सभी लोग ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग अभी दस लक्षण में गए होंगे धर्म प्रभावना के अर्थ, तो आप लोग जगह जगह पे भोजन करने के लिए भी गए होंगे। फिर जब आप भोजन करने के लिए भी गए होंगे तो लोग, कई लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने अपना परिचय दिया होगा कि देखिए साहब मैंने ये घर बनवाया है, अभी अभी बनवाया है, मैंने ये धर्मशाला बनवाई है। तो चलिए उन लोगों को पहले खड़ा करते हैं। सेंटेंस नंबर एक,
मैंने ये घर बनाया है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। घर बनाना एक कार्य है, तो यहाँ कारण कार्य संबंध घटित होगा, वस्तु पे नहीं घटाएंगे अपन। घर बनाना एक कार्य है। अब इस घर बनाने रूपी कार्य का आप निमित्त और उपादान खोज सकते हो, सोचो। फिर हम जो दिन भर बोलते हैं उसमें सोचना, मैंने यह घर बनाया है, तो इसमें निमित्त कौन है, उपादान कौन है। चलो एक एक्सरसाइज मैं सॉल्व करके देता हूँ, दूसरी आप लोगों से करवाऊंगा। सब लोग ध्यान देना, ये जो बीच वाला ग्रुप है ना उससे पहले पूछूंगा, आगे वाले भी थोड़े एक्टिव हैं, पीछे वाले भी थोड़े एक्टिव हैं, बीच वाले ग्रुप से पहले पूछूंगा। बोलो मैं इस घर में क्या हूँ। चलो इजी करता हूँ, निमित्त निमित्त और उपादान उपाधेय की परिभाषा कॉन्सेप्ट याद करो। उपादान उपाधेय हमेशा कितने पर घटित होगा, एक द्रव्य पर, और निमित्त निमित्त हमेशा दो द्रव्य पर। अब सोचो मैं और घर ये एक ही है, एक ही है क्या? एक ही होते तो घर के नष्ट होने पर मेरा भी नष्ट होना, लेकिन नहीं होता। चाहे कितना भी फ्लड आ जाए केरल में और कहाँ, कितना भी भूकंप आ जाए, घर के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है क्या? इसका मतलब एक नहीं है। तो मैंने यह घर बनाया, तो मैं स्वयं तो घर रूप पड़ने में हुआ क्या? तो मैं कौन सा कारण कहलाऊंगा, ठीक है, निमित्त कारण बनवाओ कहलाऊंगा। घर बनाया, ये बनाया एक कार्य है, निमित्त की अपेक्षा से वही कार्य क्या कहलाएगा, नैमित्तिक कहलाएगा। इसका उपादान कौन है, उपादान कौन है, सोचो सोचो। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो वाक्य बोले जाते हैं वो कैसे हैं? मैंने आपको पढ़ाया, आप मेरे से पढ़े हुए हो, मैंने स्मारक से पढ़ा हुआ हूं, मैं इस हॉस्पिटल में गया हुआ हूं, ये सब क्या है? सोचो, लोक व्यवहार भी है, वो लोक व्यवहार भी जितना भी चलता है वो किस पर चलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध पर चलता है। सुनो, निमित्त नैमित्तिक संबंध पर ही पूरा लोक व्यवहार टिका हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है? एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं, मैं आज तो इतनी क्लियर नहीं करूंगा, इसे कम से कम एक डेढ़ घंटे वीर सागर जी ने मुझे पर्सनली समझाया था, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, इसी संदर्भ में नहीं, हर किसी संदर्भ में है। जैसे आप लोग अलग अलग संस्थान से अध्ययन कर रहे हैं, कई हैं जो स्मारक से हैं अध्ययन कर रहे हैं, कई हैं कोटा से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से आप अध्ययन कर रहे हैं। आप जिस संस्था से अध्ययन कर रहे हैं वह संस्था के माध्यम से आपको जो ज्ञान हुआ, शास्त्री का ज्ञान हुआ, शास्त्रों का ज्ञान हुआ, उसमें संस्था और संस्था के सभी अध्यापक कौन है, निमित्त हैं। जब लोक व्यवहार कहा जाएगा तो कभी भी उपादान उपादेय संबंध से लोक व्यवहार नहीं कहा जाएगा। जब भी लोक व्यवहार होता है तो हमेशा निमित्त नैमित्तिक संबंध से। आपको पता है कई सारे लोग कैसे कैसे मने ऐसे बोल देते हैं, आप में से तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन संस्था ने क्या किया है, वो तो मेरी उपादानगत योग्यता थी इसलिए मैं पढ़ के निकल गया, संस्था तो क्या है, अथवा अध्यापक तो क्या है, अध्यापक तो निमित्त मात्र है, वो तो मेरा, मैं बहुत होशियार था, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, आप मात खा गए। ध्यान से समझना एक चीज, वस्तु स्वरूप अलग चीज होती है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप अपने उपादानगत योग्यता से ही निखरे हो, लेकिन लोक व्यवहार में वैसा वस्तु स्वरूप नहीं चलता। जैसे मैं और इजी एग्जांपल दूं, हम यहाँ एक प्रवचन में बैठे हुए थे, बहुत समझना, और प्रवचन में हमने ये सुना कि संसार तो ठगों की टोली है, माता पिता जो हैं वो तो ज्ञान धन रूप धन लूटते हैं, तन तन काराग्रह वंता गेड़ी परिवर्जन रखवाले, है ना, हमने ये सब सुना। ये सब क्या है, वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप बीच चौराहे पे नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं जाता। मैंने प्रवचन में सुना कि संसार तो ठगों की टोली, और मैं मम्मी पापा के पास गया और ठगों की टोली, ऐसे बोला जाता है, ऐसे कहा जाएगा, बोलो ऐसे बोलो। मैं आप लोगों से ही बोलता हूँ, जरा सोचना, एक पिता है और एक पिता का पुत्र ड्राइविंग के लिए निकल रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ पिता अपने पुत्र से क्या बोलेगा, नहीं, वो तो ये बोलेगा बेटा सब उपादान से काम होता है,
अब योग्यता होगी तो तुम ठुक जाओगे, योग्यता नहीं होगी तो बच जाओगे, अब सब क्रमबद्ध पर्याय में होगा, जब जिसका जैसा जो होना है। ये बोलता कोई पिता? बोला आप लोग यहाँ स्मारक आते हो, आपके पिता ये बोलते हैं कि आपके पिता ये बोलते बेटा अच्छे से रहना, सही से चलाना, समझ में आ रहा है? यद्यपि पिता ज्ञानी है तो बराबर समझता है कि उसके इस कहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ ख्याल में आ रहा है? लेकिन वो ज्ञान की बातें भाषा में नहीं आती, माने भाषा में वस्तु स्वरूप नहीं आता। मैं अभी बहुत कम बोल रहा हूं लेकिन इससे समझना, भाषा में उपादान उपादेय संबंध आजकल पता क्या होता जा रहा है, अरे ये मूर्ति तो जड़ है, मैं तो अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन करूंगा। गए तुम, तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये तुम्हारी भाषा देखो कितनी गंदी हो गई है। जिनवाणी की महिमा, अरे वो तो जड़ है, जिनवाणी से काम, उसे तो स्वयं से ज्ञान हुआ। अरे किस लिए कहा गई थी ये बात? ताकि तुम जिनवाणी का अनादर करो? अरे गुरु तो क्या होता है, निमित्त मात्र होते हैं, उनसे थोड़ी ना मैं तो अपनी योगा उपादानगत योग्यता से पढ़ाऊं। अब गुरु ने जिनने पढ़ाया था उसमें तो 50 लोग फेल भी हो गए, मैं ही एक होशियार निकला। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है कि देवशास्त्र गुरु का हमें यथोचित बहुमान नहीं आ रहा? ऐसा क्यों हो रहा है कि देवशास्त्र गुरु की हमें यथोचित विनय नहीं आ रही? पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा वस्तु स्वरूप हमारी भाषा में आ गया है, और सिर्फ भाषा में ही नहीं आ गया है, गलत तरीके से हमारे जीवन में भी आ गया है, यथार्थ तो है ही नहीं। आप लोग समझना, मैंने बहुत कहा, अब क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही कथन किया जाता है, उपदेश निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही होता है उपदेश, और वस्तु स्वरूप उपादान उपादेय संबंध होता है। हमेशा उपादान उपादेय संबंध को समझते हुए निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्वक वाक्य और उपदेश देखो। अंतिम बात कह के मैं समाप्त करता हूँ, ये एक्सरसाइज अपन कल कर लेंगे, समय हो गया ना अभी अपना, अंतिम बात कह के समाप्त करूँगा। एक बात सोचना, विचार करना, अगर आप लोग बातें कर रहे हो तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मान लो कोई आप लोग भी, आज मैं अध्यापक हूँ, एक दिन आप अध्यापक हो जाएंगे, एक दिन आप पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन हम ऐसे ही पढ़ रहे थे, तो एक दिन आप ऐसे पढ़ाने वाले हो जाएंगे, निश्चित रूप से होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप पढ़ा रहे होंगे। एक बात सोचना, अगर आप अध्यापक हैं और सामने वाले बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? अब बेटा मचाओ शोर, क्रमबद्ध पर्याय में यही नक्की था, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे बोलोगे? कोई अध्यापक ये बोलता है? आप लोग को पता है बहुत भ्रम होता होगा, ये अध्यापक तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते हैं और कह क्या रहे हैं, टाइम पे आओ। ये नहीं सोच सकते कि जब जिसका जैसा होना नक्की है? बहुत लगता होगा आपको विरोध, बहुत लगता होगा, आज से नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि वस्तु स्वरूप अलग चीज होती है, और उपदेश की शैली, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आगे 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 आ जाओ,